ये देखिए बादशाह नवाब बफ स्टेट जो पटना का बड़ा बफ स्टेट है, इसमें सैकड़ों दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन इसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, मार्केट वैल्यू से पैसा नहीं है। इसके मुतवल्ली ने बड़े सूझबूझ से इस बड़े लंबे वक्त में जद्दोजहद करने के बाद से इस सैकड़ों दुकान इन्होंने बनवाया। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपके सामने है और इस वफ स्टेट में इनकम भी लगभग 42 लाख रुपया पर एनम इनकम है, लेकिन उसका भी बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसको भी हम लोग लीगल तरीके से देखेंगे। लेकिन इसमें बड़ी वफ स्टेट में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है, आगे इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे और लीगल तरीके से इस पर काम करेंगे। तो ये बड़ा मामला है, इनकम का जरिया है और ये एक वफ स्टेट के लिए इनकम का जो जरिया, वफ स्टेट से जो टैक्स आता है, इसका 7% टैक्स आता है, जो लाखों की लाखों रुपया इसमें टैक्स आता है, इसमें गरीब गुरबा यतीम को इससे मदद की जाती है। और आगे भी हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टी में आपको ले चलेंगे और आगे बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी में और क्या क्या है। ये देखिए इसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट है लुत्फली वफ स्टेट, इसमें मंबारगाह है, इसमें आप देख रहे हैं मस्जिद है, और इसमें ये इसी के पार्ट में मंबारगाह के पार्ट में बाहर वाले भी ये दुकानें बनी हुई है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसका सही में मैनेजमेंट थोड़ा ये है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। और इस वफ स्टेट के जो पहले जो जिन्होंने वफ किया था उनके आप समझ लीजिए कि PMCH में गुदरी वार्ड की प्रॉपर्टी इन्हीं की दी गई है, और BNR कॉलेज अशोक राजपथ पे जो है वो भी प्रॉपर्टी इन लोगों की दी गई है। आपके आप ये इस ये प्रॉपर्टी जो बिहार में है और इसके जो वक्फ करने वाले थे, वाकिफ थे, ये बड़े सूझबूझ से और 1917 में ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे में बहुत सारी प्रॉपर्टी सामने आएगी और इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। और ये लोगों की सोच समझ बहुत अच्छी बनी है, हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं इस बात से कि वक्फ की प्रॉपर्टी आपकी चली तो गई थी, लेकिन यकीन मानिए कि कानून के दायरे में कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी, अशोक राजपथ पर सैकड़ों बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देगी।